मैं सुरेश कुमार, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज हम पीडब्ल्यूडी की जो डिफरेंट पोस्ट हैं उनका ऑर्डर किस तरह से है वो करेंगे। अगर हम ऊपर से बात करें तो पीडब्ल्यूडी की मुख्य जो ब्रांच है वो है बी एंड आर। पीडब्ल्यूडी बी एंड आर, बिल्डिंग एंड रोड, भवन व रोड, भवन व सड़क शाखा पीडब्ल्यूडी। सबसे पहले है चीफ इंजीनियर, जिसको हम मुख्य अभियंता बोलते हैं, जो कि डिपार्टमेंट का हेड होता है, जो कि डिपार्टमेंट का हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और जो सरकार को इस मामले में जो दिशा निर्देश देता है। तो मुख्य अभियंता पूरी स्टेट में पीडब्ल्यूडी का अलग है, क्वालिटी कंट्रोल का अलग है, रोड का अलग है, बिल्डिंग्स का अलग है, इस तरह से है। उसका मुख्यालय जो स्टेट कैपिटल है जयपुर में है। इसी तरह से उसको असिस्ट करने के लिए डिप्टी चीफ इंजीनियर या एडिशनल चीफ इंजीनियर होते हैं, जो कि जोन वाइज बैठते हैं। जैसे हो सकता है 4 या 5 या 6 हो हमारे यहाँ डिफरेंट जो एडिशनल चीफ इंजीनियर या डिप्टी चीफ इंजीनियर या रीजनल चीफ इंजीनियर, जो कि असिस्ट करते हैं चीफ इंजीनियर। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो उनको असिस्ट करने के लिए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, जिसको अधीक्षण अभियंता बोलते हैं, जो कि एक सर्कल का हेड होता है, एक सर्कल का, और सर्कल में तकरीबन एक जोन है उसमें 4-5 सर्कल होते हैं, तो 3-4 डिवीजन को मिलाकर एक सर्कल बनता है, जिसका हेड है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता। इसके नेक्स्ट अगर आप बात करें तो होता है आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधिशासी अभियंता, जो कि एक डिवीजन का हेड होता है, डिवीजन का मुखिया होता है, और एक सर्कल में 4-5 डिवीजन होंगे और उसका हेड होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। कई बार इसको एक्शन बोलते हैं, कई जगह इसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहेंगे या अधिशासी अभियंता, या कई जगह कार्यकारी अभियंता। तो पूरा डिवीजन होता है जो पीडब्ल्यूडी का, उसका ये हेड है। इसी तरह से इसको असिस्ट करने के लिए एएन होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर। तो एक डिवीजन में 4 से 5 सब डिवीजन होंगे और जिसका हेड होगा असिस्टेंट इंजीनियर या एएन, सहायक अभियंता या एसडीओ, और कई जगह इनको एसडीई बोलते हैं, सब डिविजनल इंजीनियर, जो कि इसको एक्शन को असिस्ट करते हैं। इसी तरह से देखें तो इनको असिस्ट करने के लिए जेई होता है, जो कि एक सेक्शन इंचार्ज होता है। पुराने समय में इसको ओवरसीयर बोलते थे। कई महकमों में, डिपार्टमेंट में सेक्शनल ऑफिसर बोलते हैं, यहाँ इसको जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, जिसको कनिष्ठ अभियंता कहते हैं। तो इस तरह से टॉप टू बॉटम ये स्ट्रक्चर है पीडब्ल्यूडी के, और डिविजनल लेवल पर डिविजनल अकाउंटेंट होता है, जो कि टेंडरिंग और इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग में हेल्प ली जाती है उनकी। ड्राफ्ट्समैन होते हैं, सर्वेयर होते हैं डिविजन में, और एक तरह से जो पीडब्ल्यूडी का मेन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो एक्शन से रिलेटेड है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसको हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं। कुछ एक स्टेट में चीफ इंजीनियर के भी ऊपर इंजीनियर इन चीफ होता है, सच एज हिमाचल, हरियाणा, उन स्टेट में चीफ इंजीनियर के ऊपर भी इंजीनियर इन चीफ। और फिर आगे अगर उसको देखें तो
सेक्रेटरीट सर्विसेज में जिनको हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, या पहले उसका नाम डेप्टी सेक्रेटरी था, उप शासन सचिव, अब संयुक्त शासन सचिव पीडब्ल्यूडी का, और वो असिस्ट करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीडब्ल्यूडी। तो वो एक तरह से नॉन टेक्निकल हैं, और ये जो चीफ इंजीनियर से और जेएन तक ये टेक्निकल हैं जो पीडब्ल्यूडी बीएनआर से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये टॉप टू बॉटम इसकी वेरियस पोस्ट हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट कर काम करते हैं। धन्यवाद।